गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू एप्टीट्यूड ऑनलाइन क्लास। वी आर डूइंग पार्ट जीके। लेट्स ओपन पेज नंबर 58 एंड राइट डेट, टुडेज डेट ऑन लेफ्ट टॉप ऑफ द पेज। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 76, name the factor which is most directly related to the level of economic development of a country। country के economic development के लिए directly हम किससे relate करते हैं, a forestation, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो सारा काम होगा। ठीक है, next question, when did India join United Nations? United Nations join किया था October 1945 में। next, vast resources of underutilized natural gas can be used in which type of production? It is fertilizers। fertilizers में सबसे ज़्यादा इसको use किया जाता है। next question, name the 21st chief election commissioner of India। 21st जो थे, अभी तो 2018 से तो 23rd हैं सुनील अरोड़ा जी, तो 21st जो थे वो हैं अचल कुमार ज्योति जी। ओके, ये जनवरी 2018 तक ही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 सोलर पावर्ड ATMs हैव बीन कमीशन्ड बाय विच बैंक इन इंडिया। कौन से बैंक ने, इंडिया के कौन से बैंक ने सोलर से चलने वाले, ठीक है, सोलर पावर्ड ATM लगाए अपने 200। It is ICICI Bank। Next question, name the metal which pollutes the air of a big city। किसी भी बड़ी सिटी की में बहुत ज़्यादा pollution हो जाता है, वो कौन सी metal से? Lead। Lead से बहुत pollution होता है। The office of the Prime Minister of India is created by the constitution। constitution ने बनाया इसको। next question, name the bank which is the banker to the central government। central government का bank कौन सा है जहाँ से उन्हें पैसा मिलता है, even state government का भी वही होता है, it is reserve bank of India। next question, डिजिटल गोल्ड स्कीम वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया बाय होम। डिजिटल गोल्ड मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, यानी जो आप ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं ना, उसके थ्रू वो शुरू किया था सबसे पहले गोल्ड को ऐसे बेचना खरीदना पेटीएम ने। ओके, एक्सक्यूज मी, हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम लिखा किन्होंने था? यस, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल ऑन द अर्थ इज। अर्थ पे सबसे इंटेलिजेंट मैमल कौन है? मैन, हम लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और हम मैमल हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलिट्री कम्युनिकेट सैटेलाइट किरामिकी 2 वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री इन 2017। इसमें क्या होता है पता है, इट शेयर्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च्ड बाय नॉर्थ कोरिया एंड वीडियोज ऑफ जापानीज ट्रूप्स डिप्लॉयड ओवरसीज। इनके बारे में बताया गया था, फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये किरामिकी 2 जापान में, ठीक है, ये लॉन्च किया था जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 59 पे देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पता है आपको? इट इज़ एशिया। या एशिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड वन इज़ अफ्रीका। ठीक है, सेकेंड कौन सा है? अफ्रीका। और थर्ड पता है? हाँ, अमेरिका। ओके, अमेरिका है थर्ड। नेक्स्ट, वास्को डा गामा डिस्कवर्ड इंडिया बाय विच रूट। आपको डू यू नो कि इंडिया की डिस्कवरी वास्को डा गामा ने की थी? अगर नहीं तो अब पता चल गया ना, वो कहाँ से आए थे? सी रूट से। ठीक है, सी रूट से आए थे वो और उन्होंने इंडिया डिस्कवर किया था समुद्र के रास्ते से।
इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? इन नेपाल, इट इज़ इन नेपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? वेयर इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व. ये है सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में ना, सिक्किम में है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर एक्सटिंग्विश देखे हैं ना आपने, जिनसे आग बुझाई जाती है, उसमें कौन सी गैस होती है? इट्स कार्बन डाइऑक्साइड. पता क्या होता है, इन द हीट ऑफ फायर इट रिलीजेज अ क्लाउड, ठीक है, क्लाउड से बनते हैं, दैट ड्राइव्स अवे ऑक्सीजन फ्रॉम फायर, दिस स्टॉपिंग केमिकल रिएक्शन. उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है, इससे जो क्लाउड से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे फायर रुक जाती है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट? हज यात्रा जो होती है ना, उसको स्टेट के खर्चे पर होना, किसने सबसे पहले किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन रूलर अकबर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू स्पीक एट टेड टॉक्स इन वैंकूवर कैनेडा. टेड इज टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन. ओके, टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन टॉक्स में सबसे पहले किस इंडियन एक्टर ने बोला? इट्स शाहरुख खान. नेक्स्ट इज, नाइट्रस ऑक्साइड गैस इज नोन एज, ये तो पता होगा, यस इट्स लाफिंग गैस, जिसको एकदम से स्मेल करते ही अगर आप सूंघ लेते हैं तो आप हंसना शुरू कर देंगे एंड रुकना जल्दी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, मूवीज़ में तो देखा ही होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ? अर्थ पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरली अकरंग है, अपने आप ही निकला हुआ, मैन मेड नहीं है, इट इज़ डायमंड. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लॉन्च्ड इन इंडिया? ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017 को है. और कहाँ पर है इसका ऑफिस, पता है कहाँ पे है मेन, इसका मेन हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके इज, इन 1969 हाउ मैनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड? 1969 में थे 14 बैंक्स, ठीक है, उसके बाद फिर कम ज़्यादा होते चले गए. ओके, और 2019 में 21 थे, और अब शायद अभी फिर पीछे कुछ बैंक्स की मर्जिंग फिर से हुई है ना, तो और थोड़े रह गए हैं. तो जी के सिलेबस इज़ कवर्ड नाउ, फिनिश, कंप्लीट दिस बुक, जी के पार्ट ओनली, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना एंड लर्न इट. So, see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.